बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजम्मिल अहमद, ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्लम्बर के वाले। जैसे कि पता है, हम आपको इसमें मुख्तलिफ किस्म की वीडियो बनाना और काम सिखाने की समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें, नमाज़ कायम करें करें, नमाज़ कायम करें करें। गैर मुस्लिम है तो अपने बारे में लाजमी सोचा करें। अच्छा, ये एक पिस्टन पम्प आया हुआ है, डोंकी पम्प भी कहते हैं इसको हम, और ये पूरा खोल दिया था तो मैंने सोचा इसको फिटिंग करते हुए इसको दिखाएँ। ये बेरिंग वाला पम्प है, ये देखें, ये पूरा बेरिंग वाला पंप है ये इसको, और ये मैंने बोला आपको दिखाया जाए। ये इसके अंदर पूरा का पूरा जो है, ये देखें इसको, ठीक है। अब इसकी फिटिंग करता हूँ तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर ये खुला हुआ इसका सामान पड़ा हुआ है और ये क्या क्या कैसे कैसे लगेगा ये सब ये बताता हूँ। देखें, ये कनेक्टर राड इसकी टूट गई थी, ये इसकी ये अंदर ही लगी हुई थी ना, ये तो ये टूट गई थी, तो अभी नई बनवाई है लेक मशीन से, उसको सही करवाई है, तो वो मैंने सोचा आपको ही दिखाया जाए ये। और इसको लगा, ये देखें, ये नई कनेक्टर राड ले ली, इसको थोड़ी सी घिसवा ली और ये बेरिंग है इसके, ठीक है। और ये लगाता हूँ तो मैं इसके अंदर फिर मैं दिखाता हूँ आपको, सही। और इसकी सील भी बना के दिखाता हूँ, इसकी सील कैसे बनाई जाती है इसकी, बिल्कुल रेडी करके। ये पिस्टन है देखो, ये इसमें कनेक्टर राड के अंदर मैं फिट करता हूँ, इसके अंदर इसको पिस्टन को फिट करके दिखाता हूँ। असल में मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ, ये देखें, ये इसके अंदर ये ना पिस्टन ठोक दिया बस, और ये पिन हो गई है इसके अंदर, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये इसके अंदर लगाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने इसके अंदर धागा लपेट दिया इसके अंदर, ये आम धागा है, ये देखें इसके अंदर धागा लपेट दिया, ये लीकेज ना करे, हाँ ये लगेगा इस जगह पर, सही है, ठीक है। इसको इस जगह पे लगाता हूँ तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये टाइट हो जाएगा, धागा बैठता चला जाएगा। ये देखें, ये इसके नट लगा दिए, बोल्ट हमने लगा दिए तीनों, और ये इसको मैं टाइट करता हूँ तो फिर मैं मिलता हूँ। ये देखें, तीनों नट टाइट कर दिए मैंने इसके, और ये बिठा दिया, ये देखें पूरा सही है। तो फिर ये जो है ना, वो पिस्टन लगा के भी दिखाता हूँ। ये देखें, पिस्टन जो है ये इधर से जाएगा, इधर से, सही है। इधर जाने के बाद ये अंदर चला जाता है इसके अंदर, और अंदर जाके फिर ये अंदर बैठ जाएगा उसके अंदर। तो ये मैं बिठा के इसको फिर मिलता हूँ आपसे, क्योंकि दोनों हाथों से काम होगा ये, अभी कोई और है नहीं इधर वीडियो बनाने वाला ना, तो इसलिए थोड़ा सा। ये देखें, इसको जो है इसको अब डालते हैं इसके अंदर से, देखें इधर से, ठीक है, इसके इधर से ये अंदर, ये देखें इसको, ये इसमें जाएगा, ये ऐसे करके बेरिंग इसके अंदर ये चला गया, ठीक है। अब ये दूसरा, ये इसके अंदर बैठा है, तो ये मेरे दोनों हाथों से बैठेगा ये, ठीक है। अभी बैठाना आसान है, बस ये डालने का तरीका देखें, ये इसका ये है, इसको ऐसे तरीके से डाल के ये बैठा दिया जाता है इसको, ठीक है। मैं सामने बेरिंग इसके अंदर बैठेगा, वो देखा खुद ब खुद चला गया, ये देखें, देख रहे हैं, ये खुद ब खुद इसमें जाके बैठ जाएगा, और ये इसके अंदर भी बैठ जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर जो है, ये देखें बिल्कुल से एकदम आराम से बैठ गया ये इसके अंदर भी, ये देखें ये कैसे बैठ गया इसके अंदर, ये बेरिंग बैठ गया, और ये देखें इसके अंदर ये खांचा, देखें ये इसके अंदर, बस ये टाइट करेंगे नट लगा के इसके अंदर, और ये पूरा बैठता चला जाएगा। ये बेरिंग अभी थोड़ा सा बाकी है, तो ये बेरिंग भी अंदर चला जाएगा, तो ये पूरा एकदम पूरा जगह भर जाएगी, सही है। और फिर बाद में इसको नट को हम टाइट कर देंगे इसके अंदर, ये देखें, ये पंप को फिट कर दिया, इसमें आप चक्का लगा लेते हैं और बस ये काम हो गया। इसको फिटिंग करके पूरा मुकम्मल फिर दिखाता हूँ आपको। देखें, ये पिस्टन हम सही कर रहे थे, इसको हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना, वो सारा सामान डाल दिया, अंदर बेरिंग वगैरह ये सब सेटिंग कर दी इसकी, ये सेटिंग के इसको नट को टाइट कर लेता हूँ थोड़ा सेटिंग से। अच्छा, ये व्हील मैंने इसके अंदर बेल्ट चढ़ा दी, इसके अंदर बेल्ट सही तरह चढ़ाने का, ये मोटर फिट कर दी, और मोटर की ये इसके बेल्ट की ये सेटिंग का भी जो है, ये जो हम लोगों ने इसको, ये देखें, इसको सेटिंग का भी ये नट लगा दिया, इसको सीधा कर दिया मैंने। अब ये वाले नट मैं टाइट कर देता हूँ, तो इसको टाइट करने के बाद ये जो है, ये देखें, ठीक है, अब ये वाले टाइट हो जाएंगे। और अकेले वीडियो बना रहा हूँ, माजरत खाऊँ इसके लिए अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो। अब ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये बेहतरीन हो गया। अब इसमें ऑयल वगैरह डाल देंगे, और ऑयल डालने के बाद जो है, तो इसको एकदम सेटिंग पे ले आएंगे सारा। अब ये देखें, इसको ये व्हील का इसका नट है, ये भी टाइट कर देते हैं इसको, ये चलते हुए खुल ना जाए, ठीक है।
क्योंकि खुल गया तो परेशानी करेगा ये। ठीक है, सब अच्छे तरीके से टाइट हो गया ये मोटर के अंदर। ये इसको भी टाइट कर दिया हमने, इस नट को भी, ये भी सब टाइट हैं, ये भी और ये वाले भी सब हमने टाइट कर दिए। अब मोटर मेरी पूरी रेडी और बेल्ट देखें थोड़े से लूज रखने पड़ते हैं, ये मोटर जाम ना हो जाएगा। अगर जैसे ऊपर चढ़ा रहे हैं तो उसको फिर बेल्ट थोड़े से, और इस सेटिंग से हम इसको ऐसे मोटर को उठाएंगे, ये देखें देखें ना ये, तो फिर इसको टाइट कर देंगे। अब मोटर मेरी माशाल्लाह से सब बेहतरीन हो गई है। अब इसका चला के पानी वानी भी हम आपको चेक कराते हैं इसका, बस तकरीबन समझो रेडी है, बस इसमें ऑयल डालते हैं बस, और ये ख़त्म हो जाएगा ऑयल डालने के बाद। सही, अगर ये मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको लाइक करा करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। अल्लाह आपको इस दोनों जानों की नेमत अता फरमाए, आखरत में भी अल्लाह पाक एहसानी के मामला अता फरमाए, दुनिया में भी एहसानी के मामला अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके साथ। ठीक है, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।